हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि एलेक्स ब्लू पे ऑर्डर कैसे लगाते हैं। और ये क्विक वीडियो है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे फायर्स है, आप स्टॉक है, जरोधा है, सेंको है, बाइनेंस है, ये पांचों अलग डिफरेंट ब्रोकर हैं जो कोई सेम तरीका होता है ऑर्डर लगाने का, पर एलेक्स ब्लू के अंदर कुछ डिफरेंट होता है। यहाँ पर क्या डिफरेंट होता है, बस ओनली फॉर सिंबल, जो आप सिंबल डालते हो, एलेक्स ब्लू में एक सिंबल कोड दे रखा है ऑफिशियली, वो कोड डालना पड़ता है जब जाके आपका ऑर्डर लगता है। तो मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगा और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको यूपीआई कनेक्ट करनी आती है, यूपीआई ऐड करनी आती है और ये सारी प्रोसेस आपने कर रखी है। तो आप देख सकते हो, जैसे कि ये वीडियो, ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको तीन पेज की ओपन करने जिनकी आपको जरूरत होगी। उसके बाद आपको एक बार ऑर्डर लगाना आ गया, आपने एलर्ट डाल लिया, तो आप पीसी को बंद कर सकते हो, पर उससे पहले इन तीन पेज की जरूरत होगी। पहला पेज आपको सेंटेक्स, मैं ये राइट क्लिक करके इसे साइड में ओपन कर देता हूँ। दूसरा पेज एलेक्स ब्लू सिंबल, और तीसरा पेज आपका डैशबोर्ड। अगर आपने लॉगिन कर रखा, अपने अपने नाम पे क्लिक करेंगे, अब आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहाँ क्विक बॉक्स के अंदर आपको तीसरे नंबर पे वेबुक यूआरएल शो हो रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करना है, आपका वेबुक यूआरएल कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने सेंटेक्स पेज पे जाना है और यहाँ पर सेंटेक्स जनरेट करना है। बस यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी सेंटेक्स आप जनरेट करते हो तो पर सेंटेक्स के बाद अपने ब्रोकर पे डबल क्लिक करना है, जिससे आपका सेंटेक्स रीसेट हो जाए। एज ए एग्जाम्पल, मैं डबल क्लिक करता हूँ अपने जरोधा पे और मैं कोई सेंटेक्स जनरेट करता हूँ, तो उसके बाद वो सेंटेक्स मेरा जब कंप्लीट हो गया, मुझे दोबारा डबल क्लिक करना है, जिससे रीसेट हो जाए, पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दूसरा जो हमने पेज खोला था एलेक्स ब्लू सिंबल, इस पेज पे जाना है। यहां पर ये तीन लिस्ट दे रखी है, एनएससी, एमसीएक्स एंड एनएफओ। तो अगर आपको जिस सिंबल को का कोड चाहिए, एज एग्जांपल मुझे एनएससी का कोड चाहिए किसी भी सिंबल का, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और उस स्टॉक का नाम यहां सर्च करूंगा, जैसे एसबीआई एन कर देता हूं मैं। तो जैसे मैं एसबीआई एन सर्च करूंगा तो यहां पर मेरे पास नाम निकल के आ जाएगा, ये आ गया। तो मुझे इस पे राइट क्लिक सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना, ये मेरा सिंबल है, मुझे पता चल गया। मैं सेंटेक्स पेज पे जाऊंगा, डबल क्लिक मैंने पहले से कर रखा है, तो मैंने अपने ब्रोकर पे क्लिक कर रखा है, तो अब ये एलेक्स ब्लू का वो बनेगा, सेंटेक्स बनेगा। तो मैं रेगुलर ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, किसमें लगाना चाहता हूँ, एसबीआई एन में। तो यहाँ एसबीआई एन ना टाइप करते हुए मैंने उसका कोड डाला है, एनएससी के अंदर आता है, एक क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ। ये वन बाय वन आपको ऑप्शन खोल रहा है, कौन सा ऑर्डर टाइप लगाना चाहता हूँ, मार्केट लिमिट, एसएलएम, एसएल, मार्केट ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, एमआईएस ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, जनरेट कोड। ये आपका सेंटेक्स बनके तैयार हो गया, आपको इसे सेलेक्ट करके कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉपी बटन पे क्लिक करना है, कॉपी हो गया। उसके बाद अपने आप ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे जाओगे और यहाँ जो भी आप इंडिकेटर अप्लाई करना चाहते हो उसे अप्लाई करके उसमें अलर्ट्स बना के डाल दोगे। बट मैं इंडिकेटर पे ये चीज नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर इंडिकेटर पे दिखाऊंगा तो अलर्ट्स काफी लेट आएंगे, इसलिए मैं हॉरिजेंटल लाइन यूज करता हूँ। हॉरिजेंटल लाइन पे राइट क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने राइट क्लिक करा, बाय डिफॉल्ट मेरा यूआरएल आ गया वेबहुक का। ये इसलिए आ गया कि जो भी हम लास्ट यूआरएल डालते हैं अपने अलर्ट्स में, वो बाय डिफॉल्ट जितने भी अलर्ट्स बनाते हैं उसके अंदर शो होता है। बट आपको जब आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना है, और ये रहा आपका डैशबोर्ड, और यहां से इसे कॉपी करके लाना है, ये रहा वेबहुक यूआरएल। तो इस पे क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा, उसके बाद आपको लाके यहाँ डाल देना है। ये बॉक्स कुछ इस तरीके से होगा, पहले आपको इस पे क्लिक करना है और फिर इसके अंदर ये अपना वेबहुक यूआरएल डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये एक न्यू फीचर ऐड करा है हमने, इसके अंदर आप एज अ रेफरेंस अलर्ट्स को पहचानने के लिए कोई नाम दे सकते हो कि हाँ ये अलर्ट्स मेरा ये है। तो मैं यहां पर टाइप कर देता हूं SBI लॉन्ग, तो ऐसा एज अ रेफरेंस, क्योंकि आपने 15-20 अलर्ट्स ऐड कर रखे हो तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि ये अलर्ट्स आपका क्या है। तो एज अ रेफरेंस आप उसे आइडेंटिफाई करने के लिए उसे कोई भी नाम देके इंटर मारना और अपना कोड डाल देना। ये नहीं भी डालते जब भी काम चलेगा, अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो और क्रिएट कर देना है। जैसे आप क्रिएट करोगे, आपका अलर्ट इस वॉच के आइकन पे क्लिक करोगे, यहां पर आपका अलर्ट शो होगा कि आपने किस टाइम फ्रेम के अंदर कौन सा अलर्ट डाला है, ये सारी चीज आपको शो हो रही है। उसके बाद जब ये ऑर्डर ट्रिगर होगा तो अलर्ट्स लॉग में आपको उसकी टाइमिंग भी दिखेगी कि ऑर्डर ये किस टाइम पे कितने सेकंड पे आपका ट्रिगर हुआ है। अभी मैं आपको अपना एलेक्स ब्लू अकाउंट दिखा देता हूं। यहां पर आप देखोगे कंप्लीट ऑर्डर 8 है और 7 ट्रेड हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो बना रहा था उसके अंदर मैं चेकिंग कर रहा था सारी चीजें और वो वीडियो सही से बनी नहीं, तो इसलिए मैं दोबारा से बना रहा हूं। तो यहां देख सकते हो कंप्लीट ऑर्डर 8 है, तो अभी जो मैं ऑर्डर लगाऊंगा उसको देखते हैं वो कितने सेकंड में आया और ऑर्डर लगा या नहीं लगा। तो हम क्या करते हैं, जानबूझ के इसे ट्रिगर करा लेते हैं। वैसे ये कंडीशन ये है कि जब भी कैंडल इस लाइन पे टच होगी तो ऑटोमेटिक मेरा ऑर्डर लग जाना चाहिए, तो मैं इसे अभी जानबूझ के ट्रिगर करा देता हूं।
और जैसे मैं इसे टिगर कराता हूँ यहाँ पर अलर्ट्स आएगा, ये अलर्ट्स आ गया, हम अपने ब्रोकर पे चलते हैं और यहाँ पर वो ऑर्डर आएगा। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा SBI का ऑर्डर। अब मैं एक चीज आपको यहाँ ये बता दूं कि ये जो ऑर्डर टाइमिंग होती है ये आपके ब्रोकर के सर्वर पे डिपेंड करती है कि उसके सर्वर पे उस टाइम कितना ट्रैफिक है और कितने ऑर्डर आ रहे हैं। कई बार ज्यादा टाइम लगता है, कई बार कम टाइम लगता है, डिपेंड टू योर ब्रोकर। तो इसके मामले में जो एलेक्स ब्लू है कई बार काफी अच्छा रिस्पॉन्स देता है, कई बार काफी बेकार रिस्पॉन्स देता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप एलेक्स ब्लू के साथ जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। अभी की बात करूं तो जो ऑर्डर आया 13:34:02 पे आया है, जबकि हमारा ऑर्डर जो टिगर हुआ था वो 13:33:49 पे हुआ था। इट्स मीन कि पूरे 3 सेकंड ले लिए इस ऑर्डर को वहां कंप्लीट होने में। अगर आप देखना चाहोगे तो आप फिर से टाइमिंग मैच कर सकते हो, यहाँ टाइमिंग दे रखी है और यहाँ दे रखी है। तो कई बार क्या होता है कि 3 सेकंड में भी आ जाता है, कई बार 2 सेकंड में भी आ जाता है, कई कई बार 15-15, 20-20 सेकंड लग जाते हैं, डिपेंड टू योर सर्वर। तो जैसे आपके सर्वर पे रस है उसी हिसाब से आपके ऑर्डर लगेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हमने अपना सर्वर पूरा ऑप्टिमाइज कर रखा है, तो ये आपके ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता। तो इस तरीके से आपने ऑर्डर लगा दिया। सपोज मानो मेरे को ऑर्डर लगाना है और आप यहाँ भी देख सकते हो SBI लॉन्ग लिखा है, तो हमने जो रेफरेंस डाला था उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे आपके 50 अलर्ट्स है तो सबके आपने एक नाम दे रखे, तो आपको कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो कि हाँ ये अलर्ट्स मेरा ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम दोबारा, अगर गलती से हमें M6 मार्केट में ऑर्डर लगाना है, एज एग्जांपल मैं M6 पे पहले क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा क्रूड ऑयल कि मैं क्रूड ऑयल में ऑर्डर लगाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ क्रूड ऑयल OIL FU जून फ्यूचर कर देता हूँ। जैसे मैंने ये सिंबल टाइप करा तो मेरे पास इनने कोड दे दिया कि इसका कोड ये, मैंने इस पर डबल क्लिक करा, कॉपी करा, ये कोड कॉपी हो गया। मैं सेंटेक्स पेज पे जाऊंगा और यहां पर मैं जो बोल रहा था हर सेंटेक्स को बनाने के बाद डबल क्लिक करना अपने ब्रोकर पे, जिससे सेंटेक्स रीसेट हो जाए, हो गया। और जो भी ऑर्डर लगाना चाहता हूं मैं लगा सकता हूं। मैंने इस पे क्लिक करा, अपना सिंबल डाला, ये किस मार्केट के अंदर आता है, M6 मार्केट के अंदर आता है, क्वांटिटी कितनी लेना चाहता हूं, 1 लेना चाहता हूं। यहां लॉट साइज नहीं डलेगा, क्वांटिटी साइज डलेगा। अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो यहां 20 डलेगा, ठीक है जी। बाय करना चाहता हूं, मार्केट ऑर्डर में करना चाहता हूं, MIS ऑर्डर है, जनरेट कोड, कॉपी पे क्लिक करा, अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे आया। यहाँ पर जिस भी इंडिकेटर में मैं ये अलर्ट्स लगाना चाहता हूँ लगा सकता हूँ। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि मैं ये ऑर्डर जो लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ अपना हॉरिजॉन्टल लाइन पे। एज अ रेफरेंस के लिए मैंने ऑयल डाला, आप चाहो तो डालो, आप चाहो तो नहीं डालो, ये आपकी मर्जी है। और ये क्रिएट करा, जैसे मैंने क्रिएट करा यहाँ ऑयल नाम से ये एक मैसेज में शो हो रहा है, जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि ये अलर्ट्स मेरा कौन सा है, क्रूड ऑयल का है। आप एज अ रेफरेंस कुछ भी डाल सकते हो। अब मैं इसे टिगर करा देता हूँ, तो जैसे मैं इसे टिगर कराऊंगा आपके सामने आपको दिख जाएगा कि ऑर्डर गया या नहीं गया। ये टिगर हो गया, आप देख सकते हो अलर्ट पे। अगर हम यहां पर जाएं तो यहां पर भी ये ऑर्डर आ गया है, 10 ऑर्डर हो गए, जब मैंने आपको दिखाया था 8 थे। ऑर्डर की टाइमिंग देखें 13:37:01 पे आया ऑर्डर, और अगर हम अपने इधर जाएं तो यहां पर जो आया है वो 13:36:49, मतलब पूरे 2 सेकंड लिए इस ऑर्डर ने वहां पर जाने के। अच्छा, ये ऑर्डर रिजेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे पास फंड नहीं है, अगर मेरे पास फंड होता तो ये बाय हो जाता। इस तरीके से आप एलेक्स ब्लू पे ऑर्डर लगा सकते हो, आप किसी भी ऑप्शन फ्यूचर और किसी भी मार्केट में ऑर्डर लगा सकते हो, बस आपको उसका सिंबल चाहिए। तो आई होप आपको पता चल गया होगा एलेक्स ब्लू पे ऑर्डर कैसे लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।